मैं हसनद्दीन नायब सरपंच हल्का पंचायत माईचक। मैं पहले नंबर पे नेहरू युवा केंद्र वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया। आज हायर सेकेंडरी स्कूल सुम्मा में जो नेहरू युवा केंद्र वाले मैच यहाँ पे करवा रहे हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर पंचायत को टच करते हैं, हमारे युवा जो हैं इनको खेल की तरफ ले जाते हैं और हर किस्म के स्पोर्ट्स में इनको हिस्सा दिलाते हैं। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बच्चों को भी, आने वाले जो नस्लें इनके लिए भी हम ये मैसेज देते हैं कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रखें ताकि हर किस्म के जो नशा वगैरह हैं इनसे दूर रहें बच्चे। और हर पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ इनका ध्यान दें, ना कि नशा वगैरह से उनसे दूर रखें। शुक्रिया सर जी। मेरा नाम आदिल हुसैन है, जो हमारे यहाँ पे नेहरू युवा वाले एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये स्पोर्ट्स के बारे में करवा रहे हैं, इससे सबको एक अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे सभी गांव के लड़के आए, गाँव वाले लड़कों को खेलने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ NYV। जैसे कि हमारे टूर्नामेंट हो रही है बनोटी ब्लॉक में, इधर कबड्डी हो रही है, वॉलीबॉल हो रहा है, रनिंग हो रही है और उसके बाद टागा वार हो रहा है। हमारे नेहरू युवा केंद्र तरफ से ये टूर्नामेंट हो रही है, जैसे कि हर एक ब्लॉक में टूर्नामेंट हो रही है। हमारे नेहरू युवा केंद्र हर एक ब्लॉक में टूर्नामेंट करवा रहा है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट होगी। हम यही जानते हैं कि नशे की तरफ ना जाएं प्लेयर। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आज गांव हम गांव सुम्मा में पहुंचे हैं जहां पर नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है ताकि युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर किया जा सके जो युवा इस समय नशे की ओर जा रहे हैं। पहला प्रयास युवा के नेहरू केंद्र का, और हमारी बात जहाँ के युवाओं से हुई है, उन्होंने धन्यवाद किया है नेहरू युवा केंद्र का कि उनकी तरफ से इस तरह के प्रयास को लेकर वो भी कहीं ना कहीं खेलों की ओर आएंगे और खेलों को बढ़ावा देंगे। तो मैं राजकुमार सुमुआ से, जय हिंद जय भारत।